चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास तक हम लोग कौन सा यूनिट तक पढ़े थे? यूनिट नंबर 2 तक रिवाइज कर लिए थे एकदम। अभी हम लोग थर्ड नंबर यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट ना, यूनिट 2 तक लास्ट हुआ। वो तो हम वॉइडेबल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बता दिए थे, इसको ऑन किया जा सकता है क्या? सर एसी और एसी हम तुम लोग यूनिट 2 तक रिवाइज करके आया? सिर्फ मेरे रिवीजन में तो चलेगा नहीं ना, बोलो पूछे पूछे, बोलो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बता दो। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन एग्रीमेंट एकदम, चलो कंसीडरेशन का डेफिनेशन। कंसीडरेशन प्रॉमिसर एनी अदर पर्सन मतलब फ्रॉम डूइंग देखना, यूनिट नंबर 3 जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें बेसिकली जो लोग सेक्शन नंबर 10 पढ़े थे उसमें पढ़े थे ना एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसका एसेंशियल एलिमेंट्स में बहुत सारा एलिमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि ऑफर पढ़ चुके हैं, एक्सेप्टेंस पढ़ चुके हैं, कंसिडरेशन पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसी के ऊपर, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी अदर में क्या क्या आ सकता है सर? अदर में आएगा कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, फ्री कंसेंट, और वो सारा का सारा डिटेल्स जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को, कौन कौन सा एग्रीमेंट को क्या माना गया है, वॉइड माना गया। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या नाम है बताओ? कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल वर्ड में बताया तो कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है समझना है। कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हम लोग किसके किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एज पर लॉ बोलता है कि 3 जन के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। वो 3 जन कौन कौन है? जो बंदा मेजर है, जिसका एज 18 साल से ऊपर है, जो मासूम नहीं है, दूसरा जो साउंड माइंड है। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? साउंड माइंड का मतलब होता है जो पत्थर नहीं फेंकता हो, पागल नहीं हो। थर्ड, जिसको लॉ के हिसाब से वॉइड ना बोला गया है या फिर इसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया। तो ये 3 जन के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लॉ बोलता है बना सकते हैं। तो इसका नेगेटिव पॉइंट हम लोग सेकंड पहलू पर निकाल सकते हैं कि किसके किसके साथ नहीं बना सकते। तो पहला पॉइंट क्या पड़ता है? तो मेजर के साथ बना सकते हैं, इसका मतलब माइनर के साथ नहीं बना सकते। सेकंड नंबर पॉइंट बोला था कि साउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। थर्ड क्या था बताओ? जिसको लॉ डिस्क्वालिफाइड ना करे, तो जो डिस्क्वालिफाइड कर दे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब लोग यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 11 में क्या बोलता है। यहाँ पे 3 जन है, पहला मेजोरिटी, दूसरा क्या है साउंड माइंड, तीसरा क्या बताओ नॉट डिस्क्वालिफाइड। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला मेजर किसको बोलते हैं? जिसका 18 साल से ऊपर का एज है। बट याद करो हम लोग नॉर्मल क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि जुवेनाइल कस्टडी के केसेस में हम लोग जो माइनर मानते हैं वो मानते किस कौन से साल? 21 साल। 21 ईयर्स क्रॉस होगा तो वो क्या माना जाएगा? मेजर माना जाएगा। इन केस ऑफ यदि वो ऑलरेडी कहां पे चला गया? जुबिनल कस्टडी में चला गया है। अच्छा, उसके बाद जब साउंड माइंड के बारे में बात करते हैं तो साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? जो रियल में फैक्ट को समझने के लायक हो। जब लोग कॉन्ट्रैक्ट 2 जन के बीच में बन रहा है या फिर एक बंदा ऑफर दे रहा था, सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब ऑफर दे रहा है तो ऑफर को के बारे में समझने का उसके पास शक्ति हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? साउंड माइंड है। ठीक है, यदि उसके पास समझने का शक्ति है तो क्या है वो? साउंड माइंड है। ठीक है, यदि समझने का शक्ति नहीं है तो क्या मानेंगे उसको? अनसाउंड माइंड है। यहां पर जो 2 पॉइंट पढ़े थे कि साउंड माइंड मतलब मान लो कोई बंदा जो नॉर्मली तो अनसाउंड माइंड रहता है बट कभी कभी वो साउंड माइंड में बन जाता है, मतलब नॉर्मली तो पागल है वो बट कभी कभी वो ठीक हो जाता है। तो याद रखना वो कॉन्ट्रैक्ट कब बना सकता है? जब वो ठीक था। दूसरा केस, यदि वो नॉर्मली साउंड रहता है बट कभी कभी छीट हो जाता है, उस केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं बना सकता? जब वो ठीक है। यहाँ पे सब लिखा हुआ देखो,
वैसे लिखा हुआ है कि क्या होगा, सर्वमेंट किसको बोलेंगे जो अंडरस्टैंड करे फैक्ट्स को। उसके रिगार्डिंग अपने को दो चीज पढ़ना है नोट में। पहला पॉइंट, जो पर्सन नॉर्मल केसेस में क्या है, अनसाउंड है, बट कभी कभी क्या हो जाता है, वो साउंड हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वो कब नहीं बना सकता, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वेन ही इज साउंड माइंड। जब वो साउंड माइंड में रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि जब वो अनसाउंड माइंड रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अभी नॉट डिस्क्वालीफाइड के बारे में हम बात करें तो नॉट डिस्क्वालीफाइड किसको बोलते हैं, याद रखना लॉ की भाषा में ये लोगों को डिस्क्वालीफाइड बोला गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। पहला पॉइंट क्या है बताओ, फॉरेन सोवेरियन, मतलब क्या होता है, फॉरेनर, फॉरेन एम्बेसडर, चाइना दूतावास जिसको हम लोग बोलते हैं, तुम लोग पीछे देखा होगा, व्हाट बजरंगी भाईजान एम्बेसी जिसको बोलते हैं, ये सब चीज। ठीक है, अच्छा एलियन एनिमी क्या होता है बताओ। ठीक है, वो देश का नागरिक जिस देश के साथ हमारे देश का नहीं बन रहा। सपोज मान लो मैंने चाइना के साथ, इंडिया का चाइना के साथ अभी बहुत छिड़ा हुआ है, तो चाइना के जो भी लोग होगा वो इंडिया के लिए क्या होगा, एलियन एनिमी माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्ट नहीं बना सकते। और तुम्हारे कन्विक्स इंसॉल्वेंट जो बंदा ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो गया या फिर कन्विक्स माना गया है, गिल्टी साबित हुआ है, तो उसके साथ उसके साथ कॉन्टेक्ट हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ चुके। देखो यहाँ पे ये तीन पार्ट में डिवाइड था, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट। अभी हम लोग सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, बट फर्स्ट पार्ट में अभी बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, मतलब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है माइनर के ऊपर कि माइनर के साथ यदि कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा बताओ, वो वॉइड एब इनिशियो। ये वॉइड नहीं है, क्या ये वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड और एब इनिशियो में क्या अंतर है, वॉइड पहले तो वैलिड था बट कुछ हुआ तो वॉइड हो गया, बट वॉइड एब इनिशियो का मतलब शुरुआत से क्या है, वो वॉइड ही है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस केस था, नेम क्या था बताओ, मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है क्यूट सा, देखो वो क्या होता है, वो एक अपने घर का कागज को लेके जाके किसी से लोन ले लेता है मॉर्गेज पे, तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा ना। ठीक है, अब वो पैसा रिकवर चाहे भी तो नहीं कर सकता वो। ठीक है, अच्छा एक और बात, माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई द एग्रीमेंट ऑफ अटेंडिंग मेजोरिटी। मान लो कोई एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो उस समय उसका एज कब था, 17 साल का था, मात्र कितना था बताओ, 17 ईयर्स ओल्ड था उस समय। और ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तो माइनर था क्या, माइनर था, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तब वो क्या था, माइनर था, बट हुआ क्या, एक साल बाद क्या बन गया, वो मेजर बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। तो एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या, अच्छा उस कॉन्ट्रैक्ट को यदि वैलिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 18 साल के बाद भी फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं बना पाए तब तक हम लोग उसको वैलिड नहीं बोलेंगे, इसी को बोलते क्या, रेक्टिफाई करना। ठीक है, समझे क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एक बार देखना तो देख लेना। उसके बारे में क्या पढ़े थे, क्या 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 माइनर को हम लोग पार्टनर बना सकते हैं क्या, आंसर इज नहीं, पार्टनर नहीं बना सकते, बट चाहे तो सारे पार्टनर से पूछ के उसको क्या बना सकते हैं, बेनिफिशियरी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे चार पार्टनर है, चार पार्टनर में एक पार्टनर का डेथ हो गया तो अपने उसके बच्चे को हम लोग चाहे तो उसको क्या बना सकते हैं, बेनिफिशियरी बना सकते हैं, बट वो पार्टनर कभी नहीं बन सकता। ठीक है, बस 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 बस, अच्छा माइनर कैन ऑलवेज प्लीड मेजोरिटी, प्लीड मतलब वो अपने आप को ऐसा बता सकता है कि अरे हम बच्चा है, हमको छोड़ दो, कुछ भी कांड किया, कुछ भी झूठ बोल के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, बनाने के बाद जब कोर्ट में पहुंचा जाएगा तो कोर्ट से जब उसे पूछेगा तो बोल सकता है हम तो बच्चे, हमको छोड़ दो, ऐसा बोल सकता है क्या, हाँ बोल सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लागू नहीं होता, रूल ऑफ स्टॉपेल लागू नहीं होता। तो ये सब जो है ना कीवर्ड्स, आपका जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ये कीवर्ड जरूर लिखना। आगे बढ़े तो अब आते हैं क्या, लाइबिलिटी ऑफ व्हाट, नेसेसरीज। क्या हम लोग माइनर को नेसेसिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने कहा नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है, रोटी कपड़ा हुआ, क्या एजुकेशन नहीं है, या एजुकेशन भी है तो नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है, रोटी कपड़ा हुआ मकान। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जो एक माइनर के लिए जरूरी है, एक माइनर के लिए जो भी चीज जरूरी है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेसेसरी। हम यदि उस चीज को, यदि रोटी कपड़ा और मकान और एजुकेशन, यदि उसको चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं क्या,
यस रिकवर कर सकते हैं, बट वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, बट उसका एसेट्स लाइबल होगा, उसका प्रॉपर्टी से हम चाहे तो रिकवर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल था जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, वो यहाँ पे ये है, श्रुति कंप्यूटर परचेस की कहां से, ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास के कंप्यूटर परचेस की जो उधार में करते शॉप से, ठीक है, हुआ क्या, ये भी क्या नेसेसिटीज माना जाएगा, क्या कंप्यूटर्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी लिया जाए, क्या वो भी नेसेसिटीज मांगा जाएगा, वो तो नॉर्मल केस में नहीं माना जाएगा, ऐसे हम लोग नॉर्मल सोचे तो क्या है, वो तो नॉर्मल टैब में भी तो पढ़ सकती थी, बट फिर भी यदि बात करें इंस्टीट्यूट के मैट में दिया गया है कि ये नेसेसिटीज माना जाएगा, तो अब इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में जा नहीं सकते, ठीक है, तो हम लोग क्या होगा कि क्या माइनर पर्सनली लाइबल होगा, पर्सनली लाइबल नहीं होगा, बट उसके एसेट्स लाइबल होगा, बट मान लो कंप्यूटर का दाम था 60,000 रुपए, क्या था बताओ 60,000, और उसका एसेट्स श्रुति का जो एसेट्स था कुल मिला के 50,000 था, कितना रिकवर कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स लॉस रहना पड़ेगा, राइट। चलो यहां पे अच्छे तरीके से लिखा गया, क्या चाहे तो लोग नेसेसिटीज के लिए क्लेम कर सकते हैं, माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिसेस, बट याद रख, अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक बंदा जो ऑलरेडी उसके पास रोटी कपड़ा और मकान बहुत कुछ है, फिर भी उसको हम कपड़ा दे रहे हैं, कोई अमीर बाप का कोई बच्चा को पकड़े हम और मेरा कपड़ा का दुकान है, उसको जान उसके कपड़ा बेच रहे हैं, क्योंकि लॉ में पढ़े हैं क्या नेसेसिटीज हम लोग उससे क्या कर सकते, ले सकते, कर सकते हैं क्या, आंसर इज नहीं, ये तभी किया सकता जब क्या होगा, जब यहाँ पे दो कंडीशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स नेसेसिटीज फॉर द सप्लाई ऑफ लाइफ, और दूसरा क्या, माइनर डज नॉट हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, उसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेसेसिटीज ऑलरेडी है फिर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हम लोगों को पैसा वापस हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, समझे क्या यहाँ तक, समझ गया क्या, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, क्या पर्सनली लाइबल नहीं होगा बट उसका प्रॉपर्टी होगा, समझे क्या, आगे बढ़े। अच्छा क्या बताओ, यदि मान लो उसके बिहाफ में, बच्चे के बिहाफ में उसके गार्जियन को कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या वो वैलिड है, क्या वो वैलिड है, हाँ वो वैलिड है, बट याद रखो बच्चे के बिहाफ में उसके पापा यदि उसके लिए एसेट्स खरीदते हैं तो लाइबल होगा, सॉरी वैलिड होगा, वो उसके पापा लाइबल होंगे पेमेंट करने के लिए, मान लो, कहने का मतलब कि मान लो एक रेंट में एक घर ले, तो उसके पिताजी क्या किया, अपने बच्चे के नाम पे रेंट का एग्रीमेंट बनवाए, तो क्या रेंट पेबल के लिए कौन होगा, गार्जियन होगा कि उसका बच्चा, गार्जियन, बट मान लो माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और उसको गार्जियन बेचना चाहता है, क्या बेच सकता है, यस बेच सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आगे बढ़े। अच्छा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम लोग उसको फोर्स कर सकते हैं क्या माइनर को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, हाँ कोई एक्टिविटी करने के लिए उसको हम क्या फोर्स कर सकते हैं, नहीं, मान लो कोई बच्चा कि बोला कि हम यहाँ पे उसका स्टेज शो था कुछ, क्या उसको पकड़ के बोल सकते नहीं तुमको डांस करना पड़ेगा कर, नहीं तो फिर मारेंगे, नहीं सब बोल सकते क्या, नहीं क्या इंसान घोषित हो सकता है, पॉलिटिक्स पर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अच्छा माइनर एजेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या हम लोग, बट याद रखना उसको कोई लायबिलिटी नहीं होगा, उसको कोई लायबिलिटी नहीं होगा, माइनर कैन नॉट बाइंड क्या पेरेंट और गार्जियन, गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ मान लो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए, हम है मेजर तुम है माइनर, हम लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लायबिलिटी पे ऑफ करना है, तो लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए दोनों तरह लायबल होगा कि सिर्फ हम, आंसर इज सिर्फ जो एडल्ट होगा वही लायबल होगा बस, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा देखो, सेम प्रोविजन इज लाइबल इन केस ऑफ गार्जियन, देखो गारंटर के बारे में यदि हम बात करें यहाँ पे भी जो गारंटी किया है, यदि वो मान लो गारंटी जो दिया है तीन जन गए मिलकर गारंटी दिया और उसमें से एक जन खाली एडल्ट था, तो जो एडल्ट था वैसे वही लाइबल, ठीक है, यही सेम जो प्रोविजन है ना इसके लिए भी लाइबल, आगे बढ़ते
नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ देखो, माइनर कैन नॉट बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्या एक माइनर किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता है? बाय मिस्टेक यदि बन भी गया तो क्या करा जाए इसको, क्या करा जाए बताओ? इसको नाम को क्या कर दिया जाए? एक बार रीड करो दोनों। टॉट्स का मतलब क्या होता है? सिविल लॉ। कोई गाड़ी ऐसे रोड पे था, उसको उसका पत्थर मार के उसको तोड़ दिया, तो क्या वो माइनर लाइबल होगा? माइनर लाइबल होगा, लाइबल होगा, उसके एसेट से ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे। माइनर कैसे बन सकता है? कुछ कुछ केसेस में बन सकता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देते, मान लो एक माइनर लॉ ऑफ टॉट्स मान लो लगाया, या फिर उसको लॉ ऑफ टॉट्स बेसिकली होता है, मान लो कोई पार्क है, तो पार्क में कोई बच्चा घूम रहा था, या फिर पार्क में लिखा हुआ था कि आप इसका क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधा को मत तोड़िए, आप जाकर वहां पे काटना स्टार्ट कर दिया, वो उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होगा, गार्जियन का वो जिम्मेवार नहीं कर सकता, तब वहां पे वो अपना ही क्या होगा, गार्जियन होगा, सिविल रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट मंडे पे अब यहां से अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक का नाम क्या बताओ? प्री कंसेंट। प्री मतलब आजाद, कंसेंट मतलब, अच्छा कंसेंट तब बोलेंगे जब याद रखना सेम बात पे सेम टाइम पे दो जन का माइंड मिल जाए, मीटिंग्स ऑफ माइंड से क्या बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग यहां पे क्या लिखा हुआ देखो 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 देखो, कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज, कोई भी कंसेंट फ्री तब नहीं माना जाएगा जब यहां पे ये पांचों में से कोई भी एक चीज हो, या तो कोअर्शन हो, या तो अंडर इन्फ्लुएंस हो, या तो फ्रॉड हो, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो, और या तो मिस्टेक। ये पांचों में से कोई भी एक काम यदि हुआ, यदि कोई भी काम हुआ तो उसे क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं है। जिसमें अपने को ये चार केसेस में इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाता है बताओ? वॉइडेबल माना जाता है। कौन सा माना जाता है बताओ? वॉइडेबल माना जाता है भाई, ठीक है। बट खाली एक मिस्टेक वाला जो केस है जिसमें अपना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मिस्टेक भी दो तरीके का हो सकता है, बाइलेटरल और यूनिलैटरल, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, अभी आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं, यहां तक समझ आएगा तुमको। हम बोले क्या, कोई भी कंसेंट को फ्री तब नहीं बोल सकते जब पांचों में से कोई भी एक काम हो, पहला कोअर्शन हो, दूसरा चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन, पांचवा क्या है। इस पांचों ही केसेस में हम लोग, पांचों में से कोई भी एक केसेस में भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट कभी फ्री माना नहीं जाएगा, सॉरी कंसेंट कभी फ्री माना नहीं जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, ये मिस्टेक के केसेस में वॉइड, बाद में केसेस में क्या होगा, वॉइडेबल। अब आते हैं क्या कंसेंट, यहां पर तुमको दिया हुआ है टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग सेम टाइम इन द सेम सेंस, ठीक है। सेक्शन ऑफ 14 ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़ चुके, यहां पर तुमको दिया हुआ है सेक्शन, याद रखना सेक्शन ऑफ 15, 16, 17, 18 और 20 केस। यस क्या करे बताओ, कोअर्शन का डेफिनेशन जो मैंने पढ़ा है ऑलरेडी क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं कोअर्शन का डेफिनेशन, बताया कोअर्शन दो पार्ट में डिवाइड है, तुमको याद दिलाते हैं कोअर्शन मतलब दो पार्ट में डिवाइड है, या तो थ्रेट अच्छा दूसरा या तो हम उसको धमका रहे या तो उड़ा चुके हैं हम, दूसरा या तो उसका एसेट्स को पकड़ चुके हैं, डिटेन कर चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं उसके प्रॉपर्टी में,
या तो धमकी दे रहे उसके प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ये दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, कोअर्शन बोलेंगे। डेफिनेशन बहुत तोड़ के लिखा हुआ है, देखो कोअर्शन इज व्हाट, द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। कमिटिंग या तो मार दिए या तो थ्रेट कर रहे हैं कि हम कमिट करेंगे, मार देंगे। कोई भी ऐसा है जो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से क्या है, प्रोहिबिटेड, ठीक है, तो उसे और अनलॉफुल है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोअर्शन बोलेंगे। देखो यहां से लेके यहां तक ना ये एक पार्ट है, क्या बोला, कोअर्शन मीन्स व्हाट, कोअर्शन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड और एनी एक्टिविटी विच इज अनलॉफुल। सेकंड पार्ट क्या है, डिटेन का, डिटेन मतलब क्या होता है, कब्जा कर लेना, या तो उसके प्रॉपर्टी में डिटेन कर चुके हैं या तो फिट कर रहे कि तुम्हारा प्रॉपर्टी हम कब्जा कर लेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि पर्सन के अगेंस्ट में हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, और इसका इंटेंशन देन क्या है बताओ, तो इसका मेन इंटेंशन क्या है, ताकि वो इसको खींच के लेके आके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवा सके, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोअर्शन। डेफिनेशन लिख लोगे, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मान लो कोअर्शन हो भी गया तो यार इसका इफेक्ट क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोअर्शन, तो यार दो दो इफेक्ट पड़ेगा, पहला कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्या, एट ऑप्शन ऑफ व्हाट, अग्री पार्टी, कौन से पार्टी, अग्री पार्टी, बट याद रखना एग्जाम में कभी भी यदि आ जाए तो आप अग्री पार्टी नहीं ले सकते, ठीक है, आपको यही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे भी हम वही लैंग्वेज लिखे जो तुमको बुक में लिखना है, एग्जाम इज गॉट विल एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हिज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन, ठीक है, ये पूरा का मतलब अग्री पार्टी ही होता है, बट फिर भी आप एग्जाम में अग्री पार्टी आप यही लिखिए, ठीक है। और सेकंड इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि जो भी बंदा इससे फायदा उठाया था उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रीस्टोर करना पड़ेगा, उसको रिफंड करना पड़ेगा। मान लो हम तुमको धमका के तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी हम अपने नाम पे करवा लिए, तो इसमें फायदा किसको हुआ, हमको। और कोअर्शन के केसेस में क्या है, इसका दो इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अवॉइडेबल तुम्हारे ऑप्शन के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से तुम उसको कोअर्शन नहीं मान सकता और तुम उसको वैलिड मान के काम चला सकता है, ये तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर है। और सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड ये होगा कि हमको मेरे पास इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के बाद जो भी फायदा हुआ है हम इसको फायदा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, ये सेकंड इफेक्ट। मस्ट रीपे और रिटर्न द मनी और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर द कोर्स, समझे क्या, अभी पढ़ेंगे। अच्छा इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये था एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कि मान लो अभी तक तुमको जो एग्जांपल तुमको दिए ये तुम्हारा कोअर्शन का था कि तुमको धमका के तुम्हारे पूरे प्रॉपर्टी को हम ले लिए, बट एक बात बताओ, मान लो हम तुम्हारा एजेंट, ठीक है, पूरा महीने तक काम किए, महीने तक काम करने के बाद तुमको अकाउंट, हमको अपना अकाउंटेंसी तुमको देंगे ना, तो मेरे को कमीशन देता रहा, बट तुमसे जब हिसाब, तुम जब मेरे से हिसाब मांगा तो हम तुमको बोले देख भाई हिसाब तो नहीं मांगेंगे, हिसाब तो हम देंगे नहीं, तब तक नहीं देंगे जब तक तुम खाली मेरे को वादा कर कि हिसाब में यदि कुछ गड़बड़ी निकला तो तुम मेरे को कुछ नहीं बोलेगा, हम एजेंट है, तुम कौन है, मेरा प्रिंसिपल, तुम मेरे से हिसाब मांग रहे, राजा दा, मान लो राजा दा का एग्जाम्पल है, राजा दा को बोले पूरा महीने भर का खर्चा को मैनेज किए और हम उसको बोले कि महीने के एंड में आप मेरे को हिसाब बताइए, तो राजा दा हमको बोल रहे कि देखिए हिसाब हम तभी बताएंगे जब आप मेरे को वादा कीजिए कि यदि हिसाब में गड़बड़ी निकला और ऐसा निकला कि हम पैसा कुछ ले लिए तो आप मेरे से पैसा मत मांगिए, देख लीजिए रिश्ता टूट जाएगा सब, तो फिर उस केसेस में ये क्या, ये भी कोअर्शन माना जाएगा, आंसर इज यस, ये भी कोअर्शन के कैटेगरी में ही माना जाएगा, यदि एजेंट बोलता है कि हम अपना अकाउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक कि आप मेरे को फ्री ना करते, मेरी लाइबिलिटी से पूरा फ्री कर दीजिए तब हम आपको क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे आपको अकाउंटेंसी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या ये भी कोअर्शन है, हाँ ये भी, ठीक है, यही दिया, ठीक है। रिफ्यूजेस टू व्हाट, एक एजेंट है जो प्रिंसिपल को क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है अपना डिटेल्स को प्रोवाइड करने के लिए, अकाउंटेंसी डिटेल्स को प्रोवाइड करने के लिए, बोलता है कि भाई अनलेस एंड जो भी आप फ्री, जब तक कि आप फ्री ना कर दे, जब तक कि आप क्या कर ले, फ्री ना कर दे, तब तक हम लोग उसको क्या मानेंगे, तब तक हम आपको अकाउंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। बच्चा प्रिंसिपल सोचता है कि छोड़ो हटा देते हैं, रिलीज लीव दे देता है, तो क्या एक पर्सन है, आंसर इज यस, दिस इज आल्सो व्हाट, व्हाट्सएप, ठीक है, इसके ये एग्जांपल तुम्हारे मैट में है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है।
अंडू इन्फ्लुएंस, बताया ना तुमको अंडू इन्फ्लुएंस क्या होता है? हंस क्यों रहा तुम, हंस क्यों रहा बोल, अजीब हरकत कर रहा तुम। बहुत बुरा था ये, लेकिन नया सेंटर है, बात समझ। चलो क्या स्टार्ट करें हम लोग, क्या सेकंड टॉपिक क्या नाम है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू का मतलब क्या होता है? अनड्यू का मतलब क्या होता है बताओ? ना 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 ना, अनड्यू का मतलब क्या होता है? अनड्यू का मतलब अनफेयर, इन्फ्लुएंस का मतलब एडवांटेज, ठीक है। यदि हम किसी का अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों के बीच में क्या हो, दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो किसी भी टाइप का, तो इफ ये अनड्यू इन्फ्लुएंस पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अनड्यू देखो, कोअर्शन के केसेस में कोई रिलेशन का दरकार नहीं था, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस के केसेस में रिलेशन का दरकार है। इसे देखो ना, ये स्टार्टिंग ही कहां से होता है? वेयर द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन व्हाट पार्टीज। और ऐसा कुछ रिलेशन है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। जो बोल रहा सामने बंदा वही मान जा रहा है, एज सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन डोमिनेटिंग पोजिशन, ही यूजेस, और वो डोमिनेटिंग पोजिशन का गलत फायदा उठा के क्या कर रहा है? उसका अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अनड्यू। समझे क्या डेफिनेशन? ये पूरा का पूरा ये भी तोड़ के लिखा हुआ है, आप उसको सब एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना जैसे लिखा हुआ है, वैसे लिखना नहीं है, एग्जाम लिखना यही है बट सबको जोड़ के लिखना, ठीक है। याद करने से बहुत आसानी होता है तोड़ने में। देखो कैसे याद कर रहे हो, देखो बच्चे से मानो कितना पॉइंट बताते हैं यहाँ पे, 8 पॉइंट है ना। तुम जब याद करेगा तो तुम ऐसे याद करेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस में 8 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से मेमोराइज करेगा तो तुमको एक भी वर्ड तुम्हारा छूटेगा नहीं, इसलिए तोड़ के लिखा जाएगा। समझे क्या? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऊपर में पढ़े कि रिलेशनशिप होना चाहिए, चलो बहुत अच्छी बात है, बट रिलेशनशिप किस टाइप का? रिलेशनशिप देखो, लॉ की भाषा में रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, ये होता है, ये भी होता है, और ये भी रिलेशनशिप ही होता है। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी। रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक मास्टर और उसका सर्वेंट, मास्टर जो बोलता है सर्वेंट क्या करता है? वो मानता है उस बात को। तो क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है? ये दोनों भी रिलेशनशिप में है, डॉक्टर और पेशेंट। अब आते हैं क्या फिडुसरी रिलेशनशिप। फिडुसरी रिलेशनशिप क्या होता है? जो भी रिलेशनशिप ट्रस्ट के ऊपर हो, विश्वास के ऊपर हो, जो भी रिलेशनशिप क्या हो, बस फिर तो याद है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के ऊपर कोई भी विश्वास टिका हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फिडुसरी रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे बताओ? फिडुसरी रिलेशनशिप उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, बाबू सोना रिलेशन, फादर सन, एक लॉयर का उसके क्लाइंट के साथ, नहीं पढ़ेंगे इसको हम, और एक बाबा जी उसके डिवोटीज के साथ। जो भी रिलेशनशिप क्या होता है? ट्रस्ट। आप जो भी बोल दिए वो पत्थर का लकीर, ठीक है। वैसे ही एक और रिलेशनशिप होता है, उसे क्या बोलते हैं? मेंटल डिस्ट्रेस। मान लो कोई बंदा मेंटली बहुत डिस्टर्ब होकर मेरे पास आया और हम उसका गलत फायदा उठाए, तो क्या ये भी जैसे होता है ना कि बहुत घर पे बहुत तकलीफ है, पैसा आ रहा है इस हाथ से आ रहा है इस हाथ से चला जा रहा है, बाबा जी क्या करें? बोलिए बाबा जी उसका पसीना देख के बताते हैं कि इससे कितना पैसा लिया जाए। बाबा क्या करते हैं? बाबा सोचते हैं कि ठीक है, ये जो बंदा है कितना परेशान है, जितना परेशान उतना ज्यादा पैसा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? तो मेंटल डिस्ट्रेस। जिसे डॉक्टर भी वही बोलता है, डॉक्टर भी वही काम करता है, डॉक्टर भी देखता है पेशेंट कितना परेशान है, परेशान के हिसाब से अपना बिल बनाता है, ये है, ठीक है।
याद है मम्मी वाला एग्जांपल, मम्मी जब सब्जी खरीदने जाती है वही बोलते है कि ये आलू कितने का, तो वेजिटेबल वाला बोलता है कि भैया ये आलू, भैया नहीं सॉरी आंटी, ये आलू जो है 50 रुपए पर के जी। राइस हो सकता है, गलत हो, कितना रुपए में अभी मिलता है? 30 रुपए मिलता है, 20 रुपए पर के जी, 20 रुपए पर के जी। मैं बोलते 20 रुपया, 2 रुपए में देना दीजिए। वो सोचता है कि क्या करें, ये जो बार्गेनिंग जो होता है ना, जो इतना गंदा वाला बार्गेनिंग कर दिए। पहले उससे पूछी मम्मी, पहले जाके पूछी, और आज बाजार कैसा था? अरे क्या बोले आंटी, बाजार कुछ नहीं था। अच्छा बाजार कुछ नहीं था, कितना में दे रहे? 20, तब 2 में दीजिए तब। क्योंकि मम्मी को पता है कि अगला जो है बाजार से खराब, उसको बेचेगा ही। तो ये भी क्या, ये भी उसके मेंटली के साथ खेलना है, इसके दिमाग के साथ खेलना हुआ क्या? हाँ, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। 2 बोली 3 4 में बेचारा बोलेगा चलो कोई बात नहीं, खरीद लीजिए, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए मेरे को। द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ अदर्स। याद रखना ये, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी का गलत फायदा उठाना है, तभी ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। यदि गलत फायदा उठाना नहीं है तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। अच्छा, ये क्या साबित होता है देखो, तो एक बात बताओ, मान लो बाबा जी आपके घर पे आए और बोले कि ये बच्चा आपके घर का सबसे बड़ा नालायक है, आप इसका पूजा वूजा करवाइए, पूजा में लगेगा 1 लाख रुपया, आपको हम देखिएगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा अच्छा बन जाएगा, ब्रिलियंट बन जाएगा ऐसा, और पूजा कराने के बाद और ज्यादा परेशान हो जाए। उस केसेस में क्या हम बाबा जी के ऊपर केस कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, अंडी इन्फ्लुएंस, वो मेरा गलत फायदा होता है, केस तो कर ही सकते हैं। अब वो अलग बात है कोर्ट में क्या आएगा, आपको वो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे वही एग्जाम्पल तुमको दिया हुआ है, ये भाई एग्जाम्पल को थोड़ा सा पढ़ के देखो, क्या तुमको क्या समझ में आया। एग्जाम्पल पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि ये या तो इस टर्म में या तो इसके बाद वाला टर्म में आना चाहिए वाला कुछ। पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो। पढ़ ली, क्या था बताओ? अभी पढ़ी। इसमें वो बोलता है अपनी बेटी को, बोलता है कि एक ब्रिलियंट मैन से शादी कर लेना। हाँ वही लिखा है। हाँ ठीक है, उसके बाद नहीं, तुम्हारा प्रेजेंटेशन सही था। तो उसके बाद क्या हुआ, बेटी क्या बोली? पढ़ो, ये सब एक ही साथ है भाई, क्या समझ में आया तू बताएगा? हाँ, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाई। मान ले एक टीचर है जिसकी एक बेटी है, ठीक है, तो अपनी बेटी को चाहेगा ना कि अच्छे लड़के के साथ शादी हो, तो उसका एक स्टूडेंट रहता है जो बहुत ब्रिलियंट रहता है, तो अपने बेटे को बोलता है कि तुम शादी कर लो इससे, ठीक है, और शादी करा लेता है। क्या दोनों के ऊपर इसके साथ इसका डोमिनेटिंग पोजीशन था क्या दोनों के ऊपर? हाँ, एक टीचर वाला और एक पापा वाला, ठीक है। क्या फिर भी अंडर इन्फ्लुएंस माना, क्या ये अंडर इन्फ्लुएंस माना जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज उठाने का मकसद था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। दोनों को फायदा मिले, दोनों जन को एक दूसरे से अच्छा जीवन साथी मिल जाए, ये मेन मकसद था, तो ये अंडर इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, बोल रहे या तो इस टर्म में या तो इसके बाद वाले टर्म में आना चाहिए। डोमिनेटिंग पार्टी क्या करेगा, डोमिनेटिंग पार्टी कौन बता दो? यदि हम बाबा जी के ऊपर केस करेंगे तो बाबा जी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये डोमिनेट नहीं किए या फिर किए, किसके ऊपर है? हम तो जाकर खाली बोल देंगे ये मेरे साथ ऐसा किया, बस इतना बोलेंगे, तो मेरे से जज कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। बट उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि तुम ऐसा नहीं किए, तो वो प्रूव करेगा ऐसे कि देखिए पूजा के साथ नहीं, मतलब पूजा में ऐसा होता है, पूजा से ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, वो
मंत्र मंत्र मार के दिखाएगा, शास्त्र निकाल के दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो तो अगेन वही अनड्यू इन्फ्लुएंस यदि हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? पहला क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड पर। दूसरा क्या होगा? जो भी पैसा मिलेगा उसमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा यदि प्रूफ हो गया तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताओ? फ्रॉड। डेफिनेशन क्या लिखा देखो, फ्रॉड मींस एज वेल एज व्हाट? इंक्लूड। यहां पे मींस और इंक्लूड दोनों रहे, इसका मतलब क्या होता है? जो बोल दिए वो तो है ही, इसके साथ ये भी है। मींस का मतलब जो बोल दिए वो है, और मींस इंक्लूड्स का मतलब ये सब है। ठीक है, एनी ऑफ द फॉलोइंग व्हाट एक्ट्स? पहला कमिटेड बाय द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्विंस और बाय हिज एजेंट विद द इंटेंशन टू व्हाट? यहां पे जो मेन कीवर्ड क्या है? डिसीव करना। डिसीव मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना ही मेन मकसद है, तभी वो फ्रॉड है, अदरवाइज फ्रॉड नहीं मानेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, इसी का जो दिया हुआ ना, तो फॉलोइंग दिया हुआ था ना, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे दिया था ना फॉलोइंग एक्ट्स। इस फॉलोइंग एक्ट्स में क्या क्या हो सकता है? पहला कोई ऐसा सजेशन दिए, कोई भी ऐसा क्या किए, सजेशन दिए, तुलसी नहीं वो काम तो तुलसी करता, ठीक है, सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। ऐसा कोई सजेशन दे दिया, कोई ऐसा बात बोल दी जो सच नहीं, और उसको बिलीव भी है ये सच भी नहीं है, ये बिलीव भी है कि सच नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कि फ्रॉड कर रहा भाई। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, सच नहीं है वो तो, अभी तो पता है। सच नहीं है, सच है क्या? देख अभी फाउंडेशन में जर्नी अभी बहुत लंबा है। एक बात बता, तुम तो मान लो अभी 10 किलोमीटर दौड़ना है, 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो तुम बैग लेके दौड़ना चाहिए कि ऐसे ही? तो वो लोड ही है समझ। फाउंडेशन लेवल पे तुम्हें लोड ले लेगा तो ज्यादा तेज और दूर तक भाग नहीं पाएगा, फाइनल पे लोड लेगा फिट करने के। बहुत बड़ा बात बोला फिर से करूंगा, बोलो बोलो। लास्ट क्लास में हम इसे प्रपोज करवाए, आज ब्रेकअप करवाए। क्या वीडियो में ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे? फ्रॉड का डेफिनेशन। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट्स है, एक बार रीड कर लेना, बुक से ही लिखा हुआ है। अच्छा, फ्रॉड यदि हो गया तो क्या माना जाएगा बताओ? तो फ्रॉड क्या माना जाएगा? सामने वाला पार्टी, उसके पास रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है? वो रिजाइन कर सकता है, केस कर सकता है, और परफॉर्मेंस करने के लिए वो इंसिस्ट कर सकता है कि भाई ये काम करो परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, ये तो समझ में आता है कि चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, तुम मेरे साथ फ्रॉड किया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते, केस कर सकते हैं, ये भी समझ में आया, बट ये वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा मेरे को बताओ। मान लो कोई बोला कि ए बोला बी को कि भैया देखिए आप ये सामान खरीद लीजिए, आपको जिंदगी भर तक वारंटी, तो ऐसा बोल सकता है कि ठीक है देखिए हमको, हम इसके ऊपर केस नहीं करना चाहते, बट हम चाहते हैं कि जिंदगी भर तक का क्या करें, वारंटी दें। ठीक है, बट इसका कुछ क्या है? एक्सेप्शन है, लॉ है तो क्या है? एक्सेप्शन है। ये पढ़ के देखो समझ आ रहा है क्या? मोबाइल
क्या चुपचाप रह जाना फ्रॉड है? क्या चुपचाप रह जाना फ्रॉड है? बोलो बोलो बोलो, फ्रॉड है। सिर्फ यदि चुपचाप रह जाना फ्रॉड तो लोग बोले तो गलत बोल रहे। तुम मान लो दो साइंस स्टूडेंट आपस में बात कर रहे साइंस के ऊपर, और हमसे पूछा ठीक है सर इसका आंसर बताए, तो हमको आते हैं कि तुम चुपचाप रहेंगे तो क्या हम फ्रॉड करते उसके साथ? नहीं, चुपचाप रह जाना कभी फ्रॉड नहीं माना। बट यहाँ पे कुछ केसेस है जहां पे इसको फ्रॉड माना जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे जहां पे वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, जहां पे बोलना चाहिए था वहां पे नहीं बोले तो क्या माना जाएगा वो? यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आए, यदि आएगा तो इसके ऊपर यदि क्वेश्चन बनता है। तो यदि कोई ए है और ये बी है, क्या करता है? ये हॉर्स बेस पर, ठीक है, बाय ऑप्शन अनसाउंड माइंड का। ए ना ए ए ए ए बी को कुछ बोलता नहीं है कि देखो भाई ये अनसाउंड माइंड बोलता नहीं, तो क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? नहीं भाई, अगला बंदा तो पूछा भी नहीं ना, अगला बंदा पूछता तो बताते, समझे क्या बात? ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। बट मान लो सामने वाला पार्टी जिसको हम हॉर्स बेच रहे हैं, वो क्या है? मेरी ही क्या है? बेटी है। तो उसको फिर बताना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनता है। तो फिर उस केस में भी हम चुपचाप रहते हैं तो क्या माना जाएगा बताओ? समझे क्या? क्या कौन गंदा लग रहा है? ये गंदा लॉ है, देख पास वही करेगा, गंदा है, ठीक है। लिख दिया कि यहाँ पे क्या है, रिलेशन है, इसके चलते क्या माना जाएगा ये फ्रॉड कैटेगरी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखा? देखो, वेयर साइलेंस इज इक्वल टू व्हाट, अपने आप में चुपचाप रह जाना माना जाएगा कि ये हाँ के बराबर है, ये बोलने के बराबर है। उस किस में आप चुपचाप रहे तो क्या माना जाएगा? ये क्या माना जाएगा बताओ? फ्रॉड माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए जो है बी जो है वो ए को, इफ यू डू नॉट डिनाई, बी बोलता है ए को कि सुन भाई, ऊपर वाला एग्जाम्पल चल रहा कि तुम यदि कुछ नहीं बोलेगा तो मान लेंगे कि क्या है, हॉर्स क्या है, साउंड है, और सामने वाला बंदा कुछ नहीं बोलता, तो फिर क्या माना जाएगा? तब ये फ्रॉड है, क्योंकि आपका चुपचाप रह जाना क्या है, अपने आप में एक बोलने के बराबर है और आप नहीं बोले, ठीक है, समझे क्या बात? नेक्स्ट, आप समझते हैं। एक हम लोग पढ़े थे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन में अंतर, ये एग्जांपल तुमको देखोगे तो समझ आएगा। ए है, यहां पे कौन है? बी है। देख यदि यूनिट पढ़ा देना तो घर से थोड़ा बहुत रीड करके आएगा, तब जाके मजा आएगा रिवीजन में, ठीक है। द गुड्स कॉस्ट हिम 3000 रुपीज। ए बोलता है बी को कि भैया ये सामान का दाम है, ये जो सामान है इसका दाम कितना रुपया है? 50,000। इसे क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? फैक्ट। नेक्स्ट बोलता है ये सेम चीज, बोलता है गुड्स वर्थ रुपीज व्हाट? 50,000। ये क्या है अपना, क्या बताओ? ओपिनियन। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या नजर है? दोनों स्टेटमेंट में क्या नजर है? बोलो 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 बोलो, ओपिनियन और फैक्ट्स में क्या अंतर है? यहाँ पे आपको ऑप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि आप चाहो तो इस एसेट को खरीद सकते हो, कितना में? 50,000। यहाँ पे आपको कॉस्टिंग प्राइस बताया जा रहा है, समझे क्या? ये फैक्ट है और ये क्या है, दोनों में अंतर। इसको थोड़ा सा एक बार रीड करो, इंड्यूस द अदर पार्टी एक्ट अपॉन इट, मतलब हम यदि फ्रॉड कर रहे हैं तो याद रखना सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करने के पहले यदि ये फ्रॉड किए होंगे तब ये फ्रॉड माना जाएगा ना। मान लो ये ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और उसके बारे में कोई फ्रॉड कमिट कर रहे हैं तो ये फ्रॉड के कैटेगरी में नहीं आता, वो आगे के लिए एक अलग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, समझे क्या? जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तो एक्सेप्ट करने के पहले यदि ये करते हैं तो फिर क्या माना जाएगा? तब वो फ्रॉड है, अदरवाइज फ्रॉड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट,
भाई ये तो पॉज दिए या तो फिर कोई ऐसा बात बोले जो कि हमको लगता है कि वो सच नहीं है। भाई देख नहीं, इधर देख, हम पढ़ा रहे हैं। ये देखो, ये एग्जाम्पल समझना है, पर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कौन है? ये कौन है? बी एंड कंपनी, ब्रॉड शेयर्स ऑफ बी कंपनी आफ्टर रीडिंग द अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। हम क्या किए, ए जो था एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस उठाया और उसको पढ़ा, पढ़ के क्या किया, उस कंपनी का शेयर को खरीद लिया। अब ए बोलता है कि मेरे साथ क्या कर, मेरे साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ, धोखा। हम प्रोस्पेक्टस में पढ़े जो लिखा गया था वैसा नहीं मिला मेरे को, बताओ मेरे को ये फ्रॉड है क्या? क्या फ्रॉड कर रहा कंपनी? हाँ, मेरे अच्छे दिक्कत बता रहे। बोलो बोलो, क्या है फ्रॉड है? ऐसे नहीं भाई, एक बात बताओ, मानते हैं कि प्रोस्पेक्टस में गलत लिखा हुआ, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में आपको गलत लिखा हुआ था, आप शेयर खरीदने, याद है लास्ट क्लास से कहा था इनविटेशन टू ऑफर, ये इनविटेशन टू ऑफर है कि ऑफर है? तो वो कभी कभी उसको हम लोग फ्रॉड मान सकते हैं, इनविटेशन टू ऑफर। यहाँ पे इस लॉ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑफर कब फ्रॉड माना जाता है, समझे क्या बात? तो यहाँ पे इसके केसेस को क्या मानेंगे, डिसमिस माना जाएगा, समझे क्या बात? देखो इसीलिए लिखा है एस क्लेम इज व्हाट, डिसमिस्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंस्टीट्यूट के मैट का क्वेश्चन क्वेश्चन है। देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर अलग अलग होता है ना। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, आपको आईपीओ इश्यू हुआ, आप पढ़िए प्रोस्पेक्टस, पढ़ने के बाद आपको अप्लाई करना है, तो वो ऑफर है, ऑफर आप ऑफर दे रहे हो कंपनी को कि इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, उसमें से वो एक्सेप्ट करके आपको शेयर अलॉट करता है, तो उसमें यदि होता है तो वो गलती है। पर यदि प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो, आप शेयर को खरीद ले रहे हो, तो प्रोस्पेक्टस पढ़ना क्या है, अपने आप में इन्विटेशन टू ऑफर, ये ऑफर नहीं है, तो फ्रॉड तो नहीं है ना, आप कैसे क्लेम कर सकते हो? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, बहुत दिन बाद आज मॉर्निंग में क्रिकेट खेल लिए, पैर में चोट लग गया, अभी हम एक हफ्ता जो है आराम से ठंडा रहेंगे, हम खुद खुद 6-7 महीना बाद खेलेंगे, लेट हो गया। ठीक है, अब रीड करो, ये दोनों पॉइंट रीड करो। आगे बढ़े, अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे ना सबका एक कंक्लूजन, अभी तक हम लोग यहां तक पढ़े ना जी नंबर पॉइंट तक, कंक्लूजन है यहाँ पे, ठीक है, ये पढ़ लेते थे अभी तक जितना पढ़े थे सारा का। ये मिस्टर ए है, ये है मिस्टर अदर पार्टी, ठीक है, ये कुछ ऑफर दे रहा है, ये जब ऑफर देगा तो पहला बात फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और साइलेंट है तो क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। सेकंड क्या है, कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसा दे रहा है जो कि रिलेटिंग टू वर्क क्या है, फैक्ट है, ऑप्शन नहीं है, ओपिनियन नहीं दे रहा है। हम यदि तुमको ओपिनियन दे रहे थे, दोनों में से कोई भी एक लड़की को चूज करिए, ओपिनियन था ये लड़की बेस्ट है, ये फैक्ट, समझे बात, और बेस्ट तो है बट वो गलत निकली, तब हम तुम्हारे फ्रॉड किए। जो होता है ना, तुम मेरे भी मतलब गांव में ये केस हुआ है, गांव में तुमको पता है 2 दिन के बीच में जो ब्रोकर होता है जो शादी करवाता है वो झूठ झूठ बोलता है, तो एक लड़की को देख के आया, मेरे घर पे आया, मेरे ही घर पे हुआ है, बहुत पुराने जमाने में मतलब बहुत पूर्वज में, वो आए अंकल आए और आके बोले घर पे कि ऐसी लड़की को देखे हम, पहले तो तुमको पता होगा कि लड़की लड़का देखना अलाउड नहीं था, बट फिर भी हम ऐसी लड़की देखे कि आपके पूरे खानदान में वैसी लड़की नहीं है, घर वाला सोचा भाई अच्छी लड़की होगी, सही में ऐसा कोई बोले तो खानदान में वैसी लड़की नहीं है, तो ठीक है शादी हो गया, शादी होने के बाद वो लड़की अंधी निकली। अगला देखो बात पे सही था, बोला कि देख आपके खानदान में कोई कोई है ब्लाइंड है? नहीं, नहीं। तो सच ही बोले, तो यही है। नहीं। इसके
इसीलिए पढ़ रहे हो तभी एक चूज कर लो, घर वाले को पता मुझे छोड़ेगा यूट्यूब पे अपलोड करने वाला वो सिर्फ मजाक था बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा, रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमेशा रिप्रेजेंटेशन कब होगा, कब होगा, एक्सेप्ट करने के पहले। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ देखो, या तो वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो, दूसरा क्या है, या तो फिर वो विदाउट बिलीविंग इट इट टू बी ट्रू, तो फिर क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। किसके किसके बिहाफ में था, जो बंदा ऑफर दे रहा है, दूसरा अदर पार्टी इंड्यूस टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसके ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट कर दिया, हम उसको एक्सेप्ट भी कर लिए, तब ये फ्रॉड है। तुम मेरे को यदि कोई बात बोला और हम तुमको एक्सेप्ट नहीं किए, तुम्हारा कोई ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किए, तब तो ये फ्रॉड नहीं है ना। किस बात का फ्रॉड भाई, तुम मेरे साथ फ्रॉड कब कमिट करेगा, जब तुम्हारा ऑफर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तब ये ऑफर है। तो ये बोल रहे कि सेकंड पार्टी क्या होना चाहिए, वो इंड्यूस करे उस बात को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या है, रिलेटेड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन, क्या क्या रिलाइड अपॉन द, क्या लिखे, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या है, विश्वास कर ले वो और रिलाई कर ले, और अल्टीमेटली उसको क्या मिले, मतलब फ्रॉड से भी इसको यदि कोई फायदा हो गया तब वो फ्रॉड नहीं, समझे क्या, फ्रॉड से यदि फायदा हो गया तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे उनको रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि हम लोग किसके किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, तीन जन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, मेजर, साउंड बाइंड और जो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। फिर हम लोग पढ़े क्या कि माइनर का केसेस में, माइनर कभी भी एजेंट बन सकता है बिना लाइबिलिटी के, माइनर कभी किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है नहीं, बेनिफिशियरी बन सकता है। फिर हमने पढ़े थे कि माइनर के को हम जो नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो लाइबल होगा, उसके एसेट सॉरी उसका प्रॉपर्टी लाइबल होगा, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। फिर हमने पढ़े क्या कॉन्शियस एडेडम, मतलब फ्री माइनर, उसमें क्या पढ़े हम लोग, पर्सन अंडर इन्फ्लुएंस, और तीसरा पॉइंट क्या पढ़े हम लोग, फ्रॉड। अभी चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या बताओ, मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो नाम सुन रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इंडिया, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, हम लोग किसी चीज को रिप्रेजेंट किए, देखो यहां पे डिसीव करने का ऑप्शन जो था ना वहां पे, कि अपने ठीक है चलो आओ, सेक्शन नंबर 18, कुछ ऐसा फैक्ट बताया गया जो फॉल्स है बट हमको लगता है कि वो सही है, कुछ गलत पर बताया गया बट हमको लगता है क्या है वो सही है, या फिर कोई बात हमको पता नहीं था और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी में आएगा, ये फ्रॉड में। क्यों हंस रहा, आवाज निकल रहा, तुम कोई सारा वो हरकत करे तुम आवाज निकल रहा सही में नहीं होता था ना, तब तुम देख कहीं नहीं बैठ, आगे मत बैठ। देखो whenever is breach of duty by a person without any what by a person without any intention to deceive, कोई भी बंदा कोई एक काम करता है और उसका intention वैसा नहीं था कि उसको loss पहुंचाए, तो वो क्या माना जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी माना जाएगा, या फिर कोई भी इनोसेंटली कोई काम करता है। ठीक है, एक बार रीड कर लो भाई,
एक बार रीड कर लो पूरे डेफिनेशन को, हम लोग तोड़ तोड़ कैसे लिखे हैं तीन पार्ट, एक बार थोड़ा सा रीड कर दीजिए जल्दी। हो गया देखो, एक यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए जो है बी को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है दैट सी विल मेक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ए जो है बी को बोलता है सुनना इसमें ना ये जो कंपनी दिख रहा है ना, इस कंपनी में ना सी क्या बनेगा, डायरेक्टर बनेगा। और सी के ऊपर ना बी बहुत बिलीव करता है। बी क्या किया, बस इसका बात सुन के कि चल इस कंपनी में सी क्या बनने वाला है, डायरेक्टर बनने वाला है, तो उसको क्या कर दिया, उस कंपनी का शेयर को खरीद लिया। बट याद रखना ए जो ये बात बोला था ये डायरेक्टली सी से नहीं सुना था, ये सुना था किससे, ये सुना था किससे, ये गलत लिखा हुआ है, ये एम से, एम बोल के एक बंदा है जिससे वो ये बात सुना था कि ऐसा सी जो है डायरेक्टर बनने वाला होता है ना बातचीत। स्टोरी क्या चल रहा है, ए हम बी तुम सी वो एम, एम हमको बोला कि सी क्या बनेगा, इस कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। हम तुम्हारे पास गए, बी के पास गए, हम बोले कि सुनना सी जो है क्या बनने वाला है, डायरेक्टर बनने वाला है। तुम क्या कि मेरे इस बात को सुन के तुम क्या कि उस कंपनी का शेयर खरीद लिया। ये बात बताओ मेरा कोई फ्रॉड करने का कोई इंटेंशन था क्या, नहीं था। तो ये अल्टीमेटली इसको क्या मानेंगे बताओ, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो स्टेटमेंट था वो क्या था, वो पॉजिटिव, कभी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं थी। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है जितना हमको पता था वही तुमको बताया। ठीक है, ये बहुत बड़ा बात है पता है ना तुमको, ये बोल के कोई भी बाबा बच सकता है। हमको जितना पता था ये पूजा करने के बाद ये हो सकता था, समझे बात, इसलिए हम तो इनोसेंट है, हम कुछ गलत नहीं किए। हाँ ये बात है कि ऐसा तो नहीं है ना कि हनुमान चालीसा का जगह पे हम शिव चालीसा पढ़ दिए, ये गलती है, ये मेरा फ्रॉड है। हम आपको बोले हनुमान जी का पूजा कर रहे और शिव चालीसा पढ़ रहे हैं तो ये मेरा फ्रॉड है, पर यदि हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर आप तो क्या आप केस नहीं कर सकते, हम तो बोल सकते हम तो इनोसेंट है, कुछ ज्यादा धर्म के ऊपर। मिस्टर ए मिस्टर बी क्या लिखा हुआ है, मोटर का इंजन इज एक्सीलेंट कंडीशन। ए जो है बी को एक मोटर कार बेचता है और बोलता है भाई इसका इंजन बहुत ना अच्छा है, बी इस बात पे खरीद लेता है। इंजन क्या रहता है, ये अल्टीमेटली क्या है, क्योंकि फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ये सही है, इंजन सही है। ठीक है, अब देखो मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल करता है, मेयर मतलब समझता मेयर एम ए आर फीमेल हॉर्स, हाँ बोल सकते गधा को भी बोलते हैं। ठीक है, क्या था ये, ए जो है बी को सेल करता है मेयर एंड टेल्स हिम शी इज साउंड और बोलता है कि ये अच्छी है, माइंड अच्छा है, बट लेटर पता चलता है क्या है ये, आप बताओ क्या है ये। अच्छा गधा को गधा क्यों बोलते हैं, क्लास में बताया हूं, गधा को गधा क्यों बोलते, अच्छा कोई भी कोई बेवकूफी करता है उसको गधा क्यों बोलते, उसको उसको घोड़ा बोलो, उसको कुत्ता बोलो, सुअर बोलो, उसको हम गधा ही क्यों बोलते, क्योंकि गधा जो गधा है ना वो फेमस है अपने अपने बेवकूफी से। गधा का एक फीचर तुमको पता होगा, नहीं पता है, तुम गधा को मान लो कोई सामान रख दिया उसके पीठ पे, उसको तुम खेल दो जाते जाएगा जाते जाएगा। मान लो ये गली है, ये गली है, ये गली से गधा जा रहा है, अब यहां से इसको टर्न लेना है, यहां पे दीवार होगा, टर्न ले लेगा, यहीं पे खड़ा हो, यहीं पे खड़ा हो जाएगा जब तक उसको ऐसे घुमाएंगे, गधा गधा है इसीलिए। ठीक है,
अब इसको थोड़ा पढ़ो, ये भी एग्जांपल तुम्हारे बुक का है। मिस्टर क्या है? श्याम। मिस्टर क्या है? अप्रोच करता है कि मेरा मोटर कार को तुम खरीद लो कितना में? 3 लाख में खरीद लो, ठीक है। और बोलता है कि कार कितना किलोमीटर देता है माइलेज? 20 किलोमीटर। और उस समय जब ये बात बोलता था तो उस समय उसका मीटर भी ऑन था और स्पीड मीटर वगैरह सब ऑन था, सब वर्किंग कंडीशन में था, ठीक है। ये बात पे एग्री करता हूं, क्या करता है वो? खरीद लेता है। लेटर ऑन क्या होता है? पता चलता है कि उसको कितना मिलता है? 5 किलोमीटर। ये बुक का सम्स है जिसको हम ड्रॉइंग्स के हिसाब से समझाएं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद तुमको बुक का एग्जाम्पल नहीं पढ़ना। कॉन्टेंट इज नॉट वाइटेबल, ये मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। बोलो क्यों? एक बात बताओ, आप कुछ हम बोले थे कि 20 किलोमीटर प्रति आवर दे रहा है, तो क्या स्पीड मीटर ये सब ऑन था? ऑन था। ये आपका ड्यूटी बनता था कि देखने का? आप नहीं देखे तो किसका गलती है? ये मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड तो बात ही छोड़ो, मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं माने, ठीक है। अब आते हैं क्या कोर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में अंतर, जो बेहतरीन वाला इंपॉर्टेंट है तुमको पता ही है। पहला क्या है बताओ? फिजिकल फोर्स है, यहां पे क्या है? मेंटल। मेंटल प्रेशर याद है, बताए थे हम कि आप यदि ये काम नहीं करेंगे तो हम अपने आप को लटका लेंगे, इसमें लटका लेंगे। तो क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस? ये क्या है? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसमें कमिटिंग और ये सब एग्जांपल तुमको ये लिखा हुआ डेफिनेशन, ये बार ना पढ़ लो तो थोड़ा, इसमें क्या बताया तुमको ये बार रीड कर, यहीं पे रीड कर समझ लो, यही इसके बाद एग्जाम है। दिख रहा है क्या सबको? बड़ा करें, अभी दिख रहा है? हो गया, अपना छुट्टी है कब से? फ्राइडे से। फ्राइडे को ये पढ़ रहा, चलो आप पढ़ लेते हैं। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में अंतर थोड़ा पढ़ लेगा, थोड़ा बुक में पढ़ ले। रेपुडिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है तोड़ सकता है, कैंसिल कर सकता है और डैमेज के लिए केस कर सकता है, ठीक है। चलो ये बुक एक बार घर पे पढ़ लेना। चल अपने फ्री कंसेंट का लास्ट टॉपिक क्या नाम है? मिस्टेक। गलती से क्या हो गया? गलती हो गया, उसे क्या बोलते हैं? मिस्टेक। मिस्टेक का डेफिनेशन देखो, चारों का चारों डेफिनेशन पूरे लॉ में लिखा गया था, बट मिस्टेक का कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। इसलिए लिखा क्या है? पॉइंट नंबर
वन नो डेफिनेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहीं पे भी इसका डेफिनेशन नहीं दिया गया। पॉइंट नंबर टू, कॉमनली नोन एज क्या बोलते हैं हम लोग, इनोसेंटली कोई गलती कर दी, कोई गलती से कुछ बात को बोल दी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या मिस्टेक। मिस्टेक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि मिस्टेक क्या था, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ व्हाट, फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या होगा, दो टाइप का लॉ हो सकता है, एक इंडियन लॉ और दूसरा क्या है फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ या इंडियन लॉ का कोई गलती हम लोग यदि करते हैं, यदि इंडियन लॉ का कोई उल्लंघन करते हैं तो हम लोग क्या माना जाएगा बताओ, इसको एक्सक्यूज की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या, कि बात हमको पता नहीं था सर, हमको पता नहीं था, पता नहीं चलेगा। सर इसको एक्सक्यूज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, बट फॉरेन लॉ का यदि आपको नहीं पता तो क्या कर सकते हो आप, एक्सक्यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको बताया हम, जैसे मान लो लिमिटेशन एक्ट, तुमको पता होगा पढ़ाया था लास्ट क्लास में, बताया था लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है, कि आप कभी भी किसी से पैसा पाते हो तो आपके पास 3 साल का समय है, 3 साल तक आप चाहो तो पैसा उससे रिकवर कर सकते हो, आप उसके ऊपर अगेंस्ट में केस कर सकते हो 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल बीत जाने के बाद आप उसके पास केस नहीं कर सकते, था लिमिटेशन एक्ट बोलता है। ये बात आपको पता नहीं था, ऐसा बोल के हम 4th साल में उसके ऊपर केस करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या, बिकॉज इंडियन लॉ को इग्नोर करना हम लोग कभी भी एक्सक्यूज की तरह ट्रीट नहीं किया सकता, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फैक्ट का, फैक्ट का गलती में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक यूनिलैटरल, दूसरा क्या है बायलैटरल। यूनि का मतलब क्या होता है अकेला, बायलैटरल का मतलब क्या होता है दोनों तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एग्रीमेंट क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल तुमको दिए थे, ये लिमिटेशन एक्ट का तुमको यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एग्जांपल तुमको क्लास में बताए थे अभी बता दिए। देखो बायलैटरल का कुछ सब्जेक्ट मैटर्स था, बायलैटरल मिस्टेक का जिसमें दोनों जन अपना अपना गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, समझना ठीक से, देखो क्लास कैसे आ रहा है, याद है क्वालिटी का गलती, हम लोग राइस मांग लेते कुछ और, वो राइस मेरे को कुछ और दे दिए, एग्जाम्पल क्लास में कराया, उसको क्या बोलेंगे हम, बायलैटरल, कौन सा टाइप का मिस्टेक, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट मैटर क्या था क्वालिटी का। नेक्स्ट याद है एग्जाम्पल देते कि गाय कोई खरीदा और घर लेके जाते जाते वो बेचारी मर गई, ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस का गलती है, एग्जिस्टेंस का गलती मतलब क्या कि समाज अब रहा ही नहीं, सॉरी गलत बोलती है, मेरे पास कोई गाय थी जो ऑलरेडी मर चुकी थी और हम कॉन्ट्रैक्ट में लिए, ठीक है, तुमसे पैसा भी एडवांस ले लिया, जब हम उठाने जा रहे देखने को मिला कि वो मर चुकी है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो मिस्टेक हुआ वो एग्जिस्टेंस के ऊपर, जो सामान के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे वो सामान अब मौजूद ही नहीं है। कोई आइडेंटिटी का भी तो गलती हो सकता है ना, यहाँ पे एक एग्जांपल तुमको देते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी याद आ रहा है कुछ, क्या था बताओ, अंदर में कुछ याद आ रहा नहीं, कोई बच्चा अभी ट्यूशन चल रहा है गाँव में, वो आके बैठा, बच्चा ट्यूशन पढ़ने नहीं आता, वो स्टैंड अप कॉमेडी का कुछ नीचे सोच रहा था, उसको सोच के यहाँ पे आ गया और देख रहा सर हंसा भी है, उसको लग रहा ना अगला क्या है स्टैंड अप कॉमेडी, ठीक है, बट हम कौन है टीचर, तो ये जो गलती हुआ वो कौन सा टाइप की गलती है बताओ, आइडेंटिफाई का, हम लोग वो मेरे को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया, समझे क्या बात, समझे क्या। नेक्स्ट क्या है बताओ राजू, याद आ रहा है, ऐसे 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 एग्जाम्पल दे दूंगा बच्चे, बताओ क्या था, अबे नोट्स इस तरीके से बनाया था कि क्लास में तुमको याद करवाए, अभी तुमको एग्जाम्पल देंगे तब तुमको याद आएगा। याद है मान लो एक बड़ा सा बंगलो था, उसके बगल में मेरा छोटा सा चौल था, चौल समझता तुम लोग, छोटा सा झोपड़ी, और उसका मालिक हम, झोपड़ी का मालिक हम, और उसके बगल में बड़ा सा ये था, और हम खाली ऐसे जगह से खड़े हुए, ऐसे ये इसका राजू के स्टाइल में से खड़े हो गए, तो कोई एक फेमस इंसान गुजर रहा था, उसको उसका नजर आया किसके ऊपर, बड़े से बिल्डिंग के ऊपर, तो देखता बोलता वो ये देख रहा मतलब इसका ओनर कौन है, यही है, और मेरे को ओनर समझ के मेरे को 1 करोड़ रुपये देता, ठीक है, तो ये कौन सा गलती बताओ, टाइटल का गलती है, देख अमीर हो चाहे नहीं हो सकल अमीर हो रहा, ठीक है, तो बात यहां पे ये है,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताओ? प्राइस के ऊपर, याद है? अभी मेरे पास आया, मेरे को बोला कि सर ये वाला मोबाइल कितने का दे रहे हैं, ये मोबाइल कितने का दे रहे हैं, हम बोले 10। बस इतना बोले, वो इतना सुन के दौड़ते हुए गया घर, 10 रुपए लेके आके दे दिया। जब तक वो आया तब तक हमने 10,000। इसको बोलते प्राइस से गलती, वो प्राइस कुछ और बोले थे, वो कुछ और सोचा, समझा क्या? हम उसको बोलते 10, वो क्या सोचा? हम बोले थे 10,000, वो क्या सोचा? 10 रुपए। ठीक है, 5 केजी की जगह पे क्या माना वो? 50 केजी। ठीक है, ये सब गलती, इसको बोलते क्वांटिटी का गलती। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, ये अपना तुम्हारा क्या हो गया? फ्री कंसेप्ट। अपना दो एलिमेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। जब दो एलिमेंट पढ़ लिए तो तुमसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि बताइए मेरे को कि मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में मेन तुमको अंतर नजर क्या है? बोलो बोलो, फ्रॉड में इंटेंशन रहता है, डिसीव करने का नहीं, हाफ देखना नहीं है भाई, डिसीव, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ में जो लैंग्वेज है, जो वर्ड है, वही तुमको यूज करना पड़ेगा क्लास में, एग्जाम में जो बैठे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड ही माना जाएगा, जिसे देखो एक बार, फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ किसको बोलेंगे? जिसको लॉ बोलता है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, कोई भी। अच्छा, ऑफेंस दो टाइप का होता है, याद है? ऑफेंस दो टाइप का होता है, बोलो। ऑफेंस दो टाइप का होता है, बोलो। अरे ऑफेंस दो टाइप का होता है, आगे आगे कहाँ है? एक है क्या? कंपाउंडेबल, और एक मतलब कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल का मतलब अंतर बताओ। एक बात बताओ, मान लो तुम स्कूटी, पापा की पड़ी स्कूटी लेके निकले, किसी के किसी लड़की का मजाक नहीं है, माँ का मगरमच्छ क्या हुआ? बाइक लेके निकला, ठीक है, वो क्या किया? किसी गाड़ी में जाके ठोक दिया। अब वहां पे बताओ, वो केस कर देगा क्या कि नहीं 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 चलो 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 कोर्ट लेके चलो, क्या होगा बताओ? वहां पे सेटलमेंट हो, क्या होता बताओ? सेटलमेंट हो, कोर्ट के पहले सेटलमेंट कर लेते हैं। काम करो, जो भी लॉस है उसको भाई पकड़ के कर लेना। या पुलिस वुलिस जब आएगा मान लो तो बोलेगा ना, काम करो ना भाई, कितना का लॉस हो तेरा? 16 का, ठीक है, 16,000 पर दे कर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं क्या? कंपाउंडेबल ऑफेंस। देखो पाप तो है ये भी, हाँ है, बट ये कौन सा है? कंपाउंडेबल है, इसे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंडेबल, या जो ये क्या क्या माना जाए बताओ? वैलिड माना जाए। कोर्ट के बाहर इसको चाहो तो आप सेटलमेंट कर सकते हो, ये वैलिड माना जाए। बट मान लो किसी का कोई मर्डर कर दिया, उसको बाहर बोले सुनना मर्डर कर दिया ना, कोई बात तुम इसको 2,00,000 रुपये दे दो, ठीक है, ऐसा बोलते, तो ये क्या होगा? वर्ड, समझे क्या? तो ये क्योंकि लॉ में ऑफेंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी का नाम क्या है? कंपाउंडेबल। दूसरा क्या है? अनकंपाउंड। कंपाउंडेबल मतलब जिसका सेटलमेंट हो सकता है, और जिसका नहीं हो सकता उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, आ जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्या है बताओ? लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसिडरेशन, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लीगल होना चाहिए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए, और कोई भी ऐसा काम ना करो जो कि प्रोहिबिटेड है। यदि इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जो जिसका सब्जेक्ट मैटर ही क्या है, प्रोहिबिटेड ऑफेंस को सपोर्ट करता है, तो उसको क्या मानेंगे? उसको अवॉइड मानेंगे। बट एक बात समझना है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया, पहले उसको एग्जाम्पल पढ़ा देते, देखो क्या लिखा हुआ है, याद है एग्जाम्पल? बुक के क्वेश्चन का है, बुक में एग्जाम्पल लिखा था ना उसी का। कोई एक पेरेंट्स अपने 17 साल के बच्चे का शादी कराना चाहता है, ठीक है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बता दो? वैलिड है कि वॉइड है? ऑब्वियसली वॉइड है, क्योंकि ये जो 17 साल का बच्चा को शादी करना अलाउड नहीं है इंडियन पेनल कोड में, ऐसा लिखा गया, ठीक है। उसके क्या लिखा देखो, तो
गलत तरीके से लिखा गया है। एक्चुअल में तुमको एक एग्जांपल क्लास में दिए थे ऐसा कि मान लो तुमको हम अपना क्लास बेचे, तुम मेरे से क्लास करता और हम तुमको ऐसा बोलते सुन क्लास हम तुमको दे रहे हैं कंडीशन पे कि क्लास सिर्फ तुम देखेगा, कोई और देखेगा तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? आंसर इज यस वैलिड। अब तुम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पे तो आप लॉ का उल्लंघन कर रहे। नहीं, लॉ का किस बात का उल्लंघन, हम अपना रूल्स तो बना ही सकते, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल नहीं लिखा हुआ जो तुमको हम समझाते हैं, समझा रहे। ये है कौन, कौन है, कौन मिस्टर कहाँ क्या बता दो, इंडिया। ये है मिस पक्पक, पाकिस्तान, समझ में स्टोरी सुन। ये आर्यन क्या करता है, उससे कुछ सामान मंगवाता, ठीक है, 2 करोड़ रुपए का सामान मंगवाता है, इंपोर्ट कराता है, सामान भिजवा देती है, समझ, एग्जांपल समझना। इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, बट आ सकता है। मिस्टर आर्यन क्या किया, 2 करोड़ का सामान मंगवाता कहां से, पाकिस्तान से, ठीक है। सामान तो इसके पास आ जाता है और ये आते से जब सामान आता है तो 2021 चलता है और 2021 में सामान आने के बाद अब इसको 2 करोड़ रुपए इसको देना है। उसी समय मोदी जी यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोगों के साथ पाकिस्तान का कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये नाचने लगता है, सामान तो आ गया, 2 करोड़ रुपए देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब तो रिलेशनशिप होगा नहीं, तो ये चुप हो जाता है। चल ठीक, इस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का लंबा झगड़ा चलता है, वॉर चलता है और ये चल जाता है 2024 तक। 2024 खत्म हो गया और इसके बाद फिर वापस मोदी जी आते हैं, मैं 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे बोलने का मतलब ये था। 2024 में फिर से मोदी जी आए और आके बोल रहे कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों का सुलह हो गया है, अब आपको चाहो तो ट्रेड रिलेशन कर सकते। ये तुरंत इसको कॉल करती है, देख भाई आप 2 करोड़ रुपए दे दे। वो बोलता है कि देख पहले तो भाई मत बोलो और दूसरा बात तुम्हारा 3 साल बीत चुका है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से 3 साल के बाद आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है, आर्यन बोल रहा है इसके ऊपर। बता अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछ रहे, क्या आर्यन के ऊपर ये केस कर सकती है? लॉ बोलता है यस कर सकते। लॉ में क्या बोला जाता है, लॉ में बोला गया है यदि कोई चीज के ऊपर फ्रीज किया गया, कोई रूल्स को फ्रीज किया गया, लिमिटेशन एक्ट में 3 साल का जो काउंट करते हैं ना, यहाँ पे ये जो गैप था ना 2021 से लेकर 2024, इसको हम लोग कभी भी काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद तुम्हारा फिर से काउंट, मतलब 3 साल में ये जो था जिसमें हम लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोविजन को क्या किया था, फॉरबिड किया था लॉ, उसको हम लोग कभी भी क्या नहीं मान सकते, उसको हम लोग काउंट नहीं करते। मतलब यहाँ पे इसके पास पावर है कि ये इसके ऊपर केस, समझ में आया क्या? उसके बाद क्या है, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। कोई भी कंसिडरेशन जिससे किसी भी लॉ का उल्लंघन होता हो, टूटता हो लॉ, तो क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा बताओ, वाइट कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा बताओ, वाइट। और कोर्ट क्या देखेगा कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था उस कॉन्ट्रैक्ट में, तुम्हारा जो इंटेंशन किसी भी लॉ को तोड़ने का है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वाइट। जैसे तुमको क्लास में बताए थे किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले, कोई एकदम गरीब का बच्चा एकदम रोड पे घूम रहा है, उसको हम बोले कि भाई देख तुमको हम अच्छा परवरिश देंगे, मेरे घर पे चल, उसके पेरेंट्स को हम 2 लाख रुपए दे भी दिए, क्या ये लीगल है इंडिया में? आंसर इज नहीं भाई, ये लीगल नहीं है। अब तुमको तुम सेंटिमेंट डायलॉग बोल सकता है कि सर उसको तो हम लोग हेल्प ही कर रहे हैं उस बच्चे को, बट हेल्प कर रहे हैं बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइट ही है, क्योंकि आप एडॉप्शन के ऊपर अलग से लॉ है, उस लॉ को फॉलो नहीं किए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, समझे क्या? वैसे कि एग्जांपल तुमको दिए थे कि मान लो एक मेडिकल शॉप वाला मेडिकल खोल के बैठा है और उसको अचानक से देखने को मिला कि चले काम करते हैं ना, बहुत सारे यंग जनरेशन यहाँ पे आता है, एक काम करते हैं हम चिप्स वगैरह भी रखते हैं, तो चिप्स भी बेचने लगा, ठीक है। तो देखने को मिला कि मेडिकल वाले को बोला गया था कि उसको आसपास का जो ये था ना, क्या बोलते हैं, लॉकअप, वो लोग बोला था कि भाई देख तुम लोग 24 घंटा तुम लोग शॉप खोल सकते हैं, मेडिकल का बात है ना, एसेंशियल नीड्स है तो आप खोल सकते हो, ऐसा बोल दिया कौन, मेडिकल ये वहां का जो अथॉरिटी था वो म्युनिसिपैलिटी, उसको अलाउ किया। और क्या किया, रात में देखा कि सब दुकान बंद है,
मेरे ही दुकान खुला हुआ है तो क्या क्या चिप्स वगैरह सब बेचने लगा, चिप्स कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक सब रखता है, कोल्ड ड्रिंक पीजिए सर्दी सर्दी लगेगा यहाँ पे दवा ले सबका सब यहाँ पे हिसाब था ठीक है। तो अब देखने को मिला कि अचानक से वो जब देख रहा है कि वो क्या है कि मेडिकल शॉप में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो चिप्स खरीदने के लिए रात में खड़े हैं, तो उसका क्या है मेन जो पार्ट था उसके बिजनेस का जिसके लिए हम लोग उसको ये लाइसेंस दिए थे वो पार्ट से हट के काम कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं लॉ को तोड़ रहे हो, तो हम लोग चाहे तो उसके लाइसेंस को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते। यस नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओ फ्रॉडलेंट, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाए। अच्छा इंडिया में कोई पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, आप उस पर्टिकुलर टाइम पे उस लॉ को तोड़ रहे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोविड के टाइम पे आना जाना क्या था बंद था, आप एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि आप दिल्ली में फंसे हो आपको कोलकाता पहुंचना है तो मेरा ट्रांसपोर्ट है आइए आपको हम लेके चले जाएंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। कोई भी कंसिडरेशन जिससे किसी भी पर्सन के प्रॉपर्टी किसी पर्सन को या फिर किसी पर्सन के प्रॉपर्टी का क्या है नुकसान पहुंचाया जा रहा है किस कॉन्ट्रैक्ट से, मेरे इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना जिससे इसके प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वाइट ठीक है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ तुम्हारे बुक में वो क्या है, ए ए बोलता है बी को कि तुम मेरे से ए ले लिया बी से लोन, अब इसका पैसा चुका नहीं पा रहा, तो बोला ठीक है काम करो मेरा पास काम करो जिंदगी भर तक काम कर होता ना, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ये वॉइड वाले क्लास में बताया था याद करो याद आ रहा है क्या बोले, इससे मान लो तुम मेरे से लोन लिया, तुम मेरे से लोन कितने का लिया 10 लाख रुपए का, अब तुमको बोले 10 लाख रुपए लौटाओ तुम्हारे पास पैसा नहीं, तो तुमको बोले सुन तब तुम जिंदगी भर तक तुमको मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, इसको बंधुआ मजदूर बोलते तुमने देखा होगा कभी सीरियल वगैरह में दिखाते ठीक है, उसके दादाजी उसके पापा कोई लोन लिए थे इसको चुका रहा उसका पोता क्या होता है बंधुआ मजदूर, तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है वाइट बनाया जाता है। ये भी देखो आप किसी के बुक का कॉपीराइट को हटा के क्या कर रहे हो बुक को प्रिंट करवा के बेच रहे हो, ये भी तुमको पता ही होगा क्लास में याद है टुकड़ा के मेरा प्यार इंतहा लेके भी तुम्हारी जो एक्स थी वो क्या किए जिम खोली, तुम क्या किया उसको जिम के बगल में क्या किया जिम खोलकर दुकान, तुमको तो कुछ नहीं कर सकते तुम देख खा लिया तुम्हारा मार्केट कैसे बंद करते हैं, बगल में क्या किया जिम खोलकर दुकान खोल दिया, तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस को क्या करता इन मॉडल तुमको पता है इसमें एग्जाम्पल लिखना जरूरी नहीं समझे हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओ पोस्ट टू दी पब्लिक पॉलिसी, एग्जाम्पल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में ना जहां पे देखो लिखना कुछ नहीं था वहां पे बस यही लिखना है कि ये होगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा वाइट, बस ये लाइन ही लिखना है पर एग्जांपल से तुमको उठा के पकड़ना है कि कहाँ पे है, इसलिए एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो आप पब्लिक के अगेंस्ट में कर रहे हो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हो ठीक है, उसे क्या बोलेंगे बताओ पोस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी, जैसे वो अभी कर रहा जैसे अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी क्या क्या हो सकता है बताओ, पहला पॉइंट क्या बताओ ट्रेडिंग विद व्हाट एनिमी के साथ क्या कर रहे हो आप ट्रेड कर तो क्या होगा ट्रेडिंग विद एनिमी क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जैसे एग्जांपल टिकटॉक पबजी वो सबको बैन कर दिया गया ना वैसे ही वाला जंगमन जो तुमको दे दिया ना पाकिस्तान पक्का कर वो उसके ऊपर तो वो क्या था वो ट्रेडिंग विद एनिमी वाला एग्जाम्पल यहाँ पे भी फिट बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, मान लो हम जज को पकड़ लिए हम वकील को पकड़ लिए और जो विटनेस है उसको भी पकड़ लिए बोले भाई देख तुमको हम 40,000 रुपए दे रहे कोर्ट पर पहुंचना तो हम कहीं ना कहीं उसको काम करने से रोक रहे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये चाहे तो मेरे से 50,000 रुपए लेके भी कोर्ट में जाके दवाई दे सकता उससे हम 50,000 रुपए रिकवर नहीं कर सकते ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है ठीक है। हाँ मेंटेनेंस भी होता है और एक क्या होता है टेम्परेटरी, मेंटेनेंस क्या होता है बोलो बोनाफाइड होगा तो क्या होगा वो मैलाफाइड होगा तो ठीक है टेम्परेटरी क्या होगा वॉइड और वो क्या होगा समझे क्या नॉर्मल क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे यहाँ पे अपना डेफिनेशन दिया हुआ है
आप चाहो तो इस डेफिनेशन को जरूर से पढ़ लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा देखो, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। देखो एक बार बताओ, याद है हम लोग तुमको एग्जांपल देते हैं, मान लो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल में हम लोग काम करते हैं, एक ही गवर्नमेंट ऑफिस में हम भी काम करते हैं, तुम भी काम करते हैं। तुम आज से 4 साल बाद क्या होने वाला है, तुम्हारा रिटायरमेंट होने 4 साल बाद। हम बोले काम करो 4 साल बाद तो है, अभी ही रिटायरमेंट दे, तुम मेरे से कुछ पैसा ले लो, तुम्हारे रिप्लेसमेंट में हम अपने बेटे को रख देंगे। गलत कर रहे ना आप, तो रोको हमको, इसे रोको बता कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वाइड। देख क्या लिखा हुआ है, क्या होगा बताओ, आप चाहो तो मेरे से पैसा भी ले लो, उसके बाद भी तुम यदि रिटायरमेंट नहीं मानता तो भी तुम तो हम तुम्हारे ऊपर कोई केस, मेरे को कुछ पद्म विभूषण अवार्ड था उसको बेच दिए तुम, वर्ड है ना, ऑस्कर मिला था बेच दिए। अच्छा किसी मोनोपोली क्रिएट करना, कहीं किसी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना, अपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइट है कि वैलिड है, आंसर इज वो भी क्या है वाइट। एक म्युनिसिपैलिटी क्या करता है, एक बंदे को एक वेजिटेबल वाले को बोलता है कि भाई तुम पूरे मोहल्ले में तुम ही वेजिटेबल बेचेगा और किसी को बेचने देंगे नहीं, क्या होगा वो, क्या होगा बताओ। हाँ देखो तो दूल्हा देख दूल्हा देखो अब यहाँ पे ऐसे देखो मान भरा के देखो ठीक है, दूल्हा दुल्हन तो फिर भी ठीक है, देख इसको देख ब्रोकर को देख दूल्हा तो से मार खा के ना वो स्पेयर बन चुके होता है क्या। देख एक ब्रोकर है दूल्हा दुल्हन का शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप मेरे को पांच दीजिएगा आपका हम शादी करते हैं ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है बताओ वॉइड है। जो कोई भी टाइप का कमीशन वगैरह जो है ना वो सबका सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब यदि दूल्हा दुल्हन शादी हो गया और दूल्हा दुल्हन पैसा नहीं देंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता लीगली तरीके से। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पे एक .com का नाम सुनो, उसका नाम क्या है, ठीक है उस केसेस में सर वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा वैलिड होना चाहिए, सर वॉइड होना चाहिए वो भी। वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको बोला नहीं जा रहा है कि यही सबसे अच्छी है ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो किसी को भी आप जाके, तो आपकी गलती। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम में तुम गलत लड़की को रिक्वेस्ट भेजा तुम्हारा गलती है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा ये वैलिड होगा, मतलब सारे डॉक्टरों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना सब्सक्रिप्शन खरीद लो मेरा तो वो क्या है वैलिड है, क्योंकि उसके पास वो ऑप्शन तुमको दे रहा है, वो कभी फैक्ट नहीं दे रहा। फैक्ट और ऑप्शन बनता ओपिनियन बनता समय है, फैक्ट मतलब क्या होता है, हम तुमको बोल रहे हैं कि यही लड़की से शादी कर, लड़की बहुत अच्छी है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वॉइड होगा, इसमें से किसी को भी चूज कर लो क्या होगा वो ठीक है। भाई सेम चीज देखो, हम किसी को कोई काम करने से, कोई लीगल काम करने से रोक रहे हैं, जज को पैसा दे दिए कि भाई तुम कोर्ट मत पहुंचना, फिर मेरे फेवर में क्या करना डिसीजन लेना सबके लिए। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बताओ, यहां पे एग्जांपल देखो क्या लिखा, ये जो है एक टेंडर निकाला, बोला कि भाई देख मेरे स्टॉक, मेरे को 10,000 क्विंटल का सामान चाहिए, हमको सप्लायर का दरकार है, बहुत सारे सप्लायर को बुला के हमें बैठाया और सप्लायर में से बोला कि भाई देख तुमको में से कोई एक जन को हम ये टेंडर देंगे। अब उसमें से कौन कौन बैठा था बताओ, बी बैठा था, सी बैठा था, डी बैठा था और ई बैठा था, उसमें से जो ई था ना ई साइड से पेमेंट कर दिया ए को, बोला सुनना टेंडर हमी को मिलना चाहिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है ठीक है। हाँ तुमको बताया था कंसिडरेशन दो हिसाब से मिल सकता है, एक कंसिडरेशन जिसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं और एक जहां पे बांट नहीं सकते। एग्जांपल तुमको याद होगा कि क्लास में तुमको हम बताए थे कि मान लो एक बंदे को हम रखे और मेरा दो टाइप का बिजनेस है, एक ड्रग्स भी बेचते हैं और दूसरा कार भी बेचते हैं, दिखाने का दांत है क्या कार और बेचने का दांत क्या है ड्रग्स,
हम एक ही सेल्समैन को रखे, हम बोले भाई तुम कार भी बेचना और ड्रग्स भी बेचना, तुम मेरे इसके बदले में तुम मेरे से सैलरी ले लेना 10 लाख। मैं ना रिस्क ले रहा भाई, इतना बड़ा रिस्क ले रहा। अब तुम देखो एक बात, तुमको पता है कि इसके साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना है ड्रग्स को सप्लाई करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा, पक्का होगा। दूसरा सर, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बना कार बेचने का, उसके ऊपर कमीशन देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड। बट रियल में इस 10 लाख को बांट नहीं सकते, तो फुल का फुल क्या होगा? बट यदि बांट सकते हैं तो जितना पार्ट वैलिड होगा वो वैलिड होगा, जितना पार्ट वॉइड होगा वो। ठीक है, ये पॉइंट था। अब आते हैं क्या लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, यूनिट नंबर 3 का, वो क्या था? वॉइड एग्रीमेंट। वो कौन कौन सा एग्रीमेंट है जिसको लॉ स्पेसिफिकली बोला है कि भाई ये सब क्या है? वॉइड ही माना जाएगा। ये कौन कौन सा है बताओ? पहला इनकॉम्पिटेंट पार्टी, मतलब वही माइनर, वही डिस्क्वालिफाइड पर्सन, या फिर वही अनसाउंड माइंड के साथ यदि कॉन्ट्रैक्ट बना ले तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एग्रीमेंट क्या होगा? वो बायलेटरल मिस्टेक अभी पढ़े थे हम लोग, इनफैक्ट हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं ना। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए जिससे किसी का शादी रुकता है तो उसे क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। जैसे एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि ए प्रॉमिस करता है बी को, ए विल नॉट मैरी एनीवन एल्स इफ मैरी देन 2 लाख रुपए हम पे करेंगे, ऐसा ए बोलता है बी। क्या बी रिकवर कर सकती है? मान लो ऐसा है, ऐसा रिलेशनशिप के टाइम पे ए बोलता है कि सुनो या तो हम तुमसे शादी करेंगे या तो हम किसी से शादी नहीं करेंगे, यदि कर लिए तो तुम मेरे को अभी तुमको लिख के दे रहे, तुम मेरे से 2 लाख रुपए ले। लड़की सोचती है कि भाई बंदा बहुत ऑनेस्ट है और बंदा शादी कर लेता कहीं, तो लड़की तो पहले तो उसको दुख होता है, फिर पहुंचते जाके बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं शादी कर लेते, बहुत दुख हुआ, कोई बात नहीं 2 लाख रुपए। तो क्या रिकवर कर सकती है? ऐसे नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे किसी के शादी को रोकने का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, क्या है ये? वॉइड बनाया था लॉ के साथ। समझे क्या? स्टेट ऑफ व्हाट ट्रेड, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिससे किसी को बिजनेस करने में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फिर बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वो? बट यहाँ पे दो एग्जाम्पल, दो एक्सेप्शन केसेस है। पहला क्या है बताओ, समझाया भाई? गुडविल सेल। भाई बोलो सर, ये अपना फर्म का नाम पे किसी और का फर्म खोलने के लिए, हाँ यदि हम सिग्नेचर करके दे दिए हैं कि भाई मेरा गुडविल का नाम तुम यूज कर सकते हो, तब वैलिड होगा ना? होगा कि नहीं होगा? और वैसे ही तुम्हारा क्या पार्टनरशिप में किसी का रिटायरमेंट हो गया तो कंटिन्यू देख सकता ना कि आप लोग ठीक है अपना बिजनेस को स्टार्ट चलाइए। तो ये सब क्या है एक्सेप्शन किसी से, कहां पे? स्टेट ऑफ ट्रेड, स्टेट ऑफ व्हाट? लीगल प्रोसीडिंग्स। क्या होगा? केस करने से रोकना। यदि किसी को केस करने से रोक रहे तो क्या होगा वो? क्या होगा वो? वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा बताओ? वॉइड माना जाएगा। बट यहां पे इसका भी क्या है? एक्सेप्शन है। चाहे तो आप किसी को आप ऐसा बोल सकते हो कि एक काम करो ना भाई, कोर्ट में क्यों जा रहे हो? आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है बताया तुमको? आर्बिट्रेटर, कोर्ट के बाहर छोटा कोर्ट होता है जहां पे आपका दोनों के बीच में जब झगड़ा होगा ना तो आपको एक आर्बिट्रेशन को बुलाया जाएगा, जो छोटा सा वकील हो, वकील टाइप का होगा, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, जो दोनों के बिहाफ में बात को सुनेगा और एक जजमेंट देगा। ये कोर्ट के बाहर हो तो ऐसा करोगे तो आप ये वैलिड होगा। समझे क्या बात? जैसे होता है नॉर्मल जो डाइवोर्स के केसेस में ये सब होता है, और इन राइटिंग यदि हो तो भी चलेगा। इन राइटिंग का मतलब समझता है? ऐसे पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ था कि भाई कोई किसी के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता भाई। हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं बट पहले ही पार्टनरशिप में लिखा दिए कि भाई कोई एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकता, अपने जाएंगे दोनों मिलके उस भैया के पास, वो भैया जो बोलेंगे मान लिया जाएगा। यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में तो फिर उस केस में क्या होगा वो? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? अनसर्टेन व्हाट अग्रीमेंट, एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि अनसर्टेन है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। यदि अनसर्टेन है, हो ही नहीं सकता कभी, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? अनसर्टेन था बट कैपेबल टू बीइंग मेड
सर्टेन हो सकता है, थोड़ा सा एफर्ट कर दिया जाए तो वो सर्टेन हो सकता है, क्योंकि उस केस में क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला एग्जांपल तुमको कोकोनट ऑयल का एग्जांपल क्लास में दिया है। अच्छा इस बार के लिए हमको लगता है कि ए बार के लिए जरूर से पढ़ लेना। हम तीन चार दिन पहले जब बुक को देख रहे थे इंस्टीट्यूट के मैट को, तो अंदर से एक तो फीलिंग्स आता है ना, तो फीलिंग्स आया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेगरिंग एग्रीमेंट एक बार पढ़ के जाना इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये। और तुमको ऑलरेडी बता देते सेकेंड नंबर यूनिट का, हाँ जो नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन में ये दोनों के ऊपर आ सकता है, ठीक है। अपने यूनिट थ्री यहीं पे खत्म होता है, हम यूनिट थ्री तक ही चलेंगे, यूनिट फोर नेक्स्ट क्लास है, यूनिट फोर क्योंकि एक शॉर्ट में खत्म होगा नहीं, ठीक है। बट तब तक के लिए तुम्हारा एक ड्यूटी है, ड्यूटी ये है कि यूनिट थ्री तक हम जो पढ़े हैं पहले यहाँ तक रिवाइज करके आना, मेरे मेरे ही हैंड रिटन नोट से पढ़ना, उसके बाद यूनिट फोर का जो तुमको दिया हुआ है उसको थोड़ा सा रीड करके आना, इसका तब हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके, ठीक है। तब तक के लिए बाय।